यह तो बड़ी गलत बात है पप्पू का किसी को बुलाना, जबकि नाम असल जानता जमाना। अगर कोई योग्य नहीं तो आप उसे पप्पू बुलाएंगे, बाकी के योग्य पप्पू कहाँ जाएंगे। कोई कहता पप्पू पास हो गया तो क्या पप्पू अक्सर फेल होता रहा, जो आपने यह कहा। फिर एक कह रहे पप्पू कांड डांस साला, समझ नहीं आता पप्पू के साथ ही क्यों होता है यह सब गड़बड़ घोटाला। आखिर पप्पू का क्या कसूर है कि अक्ल हुनर उससे दूर है। मुझे तो तरस आता है कि बेचारा पप्पू कितना मजबूर है, मेरी पूरी सहानुभूति बेचारे पप्पू के साथ है। पप्पू के ज्यादा नाकाबिल उससे पीछे चल रही बारात है। इस पर भी आप सारा दोष पप्पू पर लगाते हैं। पप्पू तो दूल्हा है, यह बाराती नाच कर क्यों नहीं दिखाते हैं। पप्पू कांड डांस साला गाते हैं, माना पप्पू के साथ असफलता का कीर्तिमान है। पप्पू भी आदमी है, आखिर उसमें भी जान है। कहते हैं पप्पू पास हो गया, बताते नहीं कौन सा इम्तहान हो गया। पप्पू की डिग्री के बारे में भ्रम है, कोई कहता पांचवी पास हो गया, क्या कम है। इम्तहान तो इम्तहान है, पांचवी पास होने में क्या नुकसान है। मेरा मत है पहले पप्पू की शादी कराइए, फिर उसे नचाइए। ठीक शादी हो गई तो उसकी औरत उसे नचाएगी, पप्पू की यह कमी भी दूर हो जाएगी। मैंने कहा हर आदमी समय के साथ सीखता है, तो कहने लगे औंधा घड़ा न भरता है न भीगता है। पर मेरी राय में पप्पू के 100 गुना माफ हैं, आखिर खानदानी व्यक्ति का नहीं होता कोई माफ है। वह जैसा भी है अच्छा है, आखिर अभी बच्चा है। वह जैसा भी है अच्छा है, आखिर अभी बच्चा है।